दोस्तों एंड स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो पे। आज मैं आया हूँ डभोरिया हनुमान। तो चलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं। उससे पहले मैं इस मंदिर के लोकेशन की बात करूँ तो ये गांधीनगर से 24 किलोमीटर और अहमदाबाद से भी ये 24 किलोमीटर होता है। तो चलिए अब हम मंदिर पर जाकर दर्शन करते हैं। मैंने मेरी गाड़ी यहाँ पे जो पार्किंग आया हुआ है वहाँ पे पार्किंग करती है और अभी मैं जा रहा हूँ दादा के मंदिर की तरफ। और जब आप दादा के मंदिर की तरफ जाएंगे तो बाज़ार में दोनों साइड बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुकानें आई हुई है। आज सोमवार है तो इतनी ज़्यादा दुकानें यहाँ पे खुली हुई नहीं है, मगर जब आप यहाँ पे शनिवार या मंगलवार को आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हनुमान जी दादा को धतूरा के फूल और तेल चढ़ाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे हर दुकान में ये दोनों चीज़ें तो कंपल्सरी देखने को मिलेगी ही। अभी मैं मंदिर के एकदम पांच आ चुका हूँ और बाहर से कुछ ऐसा इस मंदिर का नज़ारा आता है। तो ये आप यहाँ से बाहर से मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पे लाइन में खड़े रह के आपको दर्शन करने पड़ते हैं। जब आप यहाँ पे शनिवार या मंगलवार को आएंगे तो यहाँ पे 30 से 35 देसी घी के डब्बे की सुखड़ी बनाई जाती है जो दादा को प्रसादी के रूप में चढ़ाई जाती है, और उस सुखड़ी का प्रसाद आप घर भी ले जा सकते हैं। जब यहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो अभी मैं मंदिर में आ चुका हूँ और मैं थोड़ा सा आपको इस मंदिर का इतिहास बता देता हूँ। यहाँ पे जो हनुमान जी है वो स्वयंभू प्रकट हुए हैं। जब यहाँ पे मुगलों का शासन था तो उन दिनों में अलाउद्दीन खिलजी ने पाटन के ऊपर चढ़ाई की। उस समय पाटन के राजा थे जो सोलंकी सत्रह राजा, उन्होंने पाटन छोड़ के फिर यहाँ पे शरण ली थी। उन दिनों इस जगह का नाम देवधर था और यहाँ पे एक खारे पानी की नदी बहती थी और उस नदी की बगल में यहाँ पे बहुत ही विशाल घाट जंगल था। और इस जंगल के अंदर यहाँ के जो आजू बाजू के गांव के जो मालधारी समाज के लोग थे वो अपनी गायें यहाँ पे घास चरवाने के लिए यहाँ पे लाते थे। और उन गायों के झुंड में से एक गाय थी जो अभी यहाँ पे जहाँ दादा का मंदिर है ठीक उसी जगह पे आके अपने आप दूध दे देती थी और वो सारा दूध ज़मीन में आपो आप चला जाता था। और ये जो सारा चमत्कार है ये सभी मालधारी भाइयों ने देखा और फिर उन्होंने जाके ये बात महाराज को बताई कि ऐसा होता है, तो महाराज ने वहाँ पे आके खुदाई करवाई। तो जैसे ही खुदाई हुई, खुदाई करते करते यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। हनुमान जी बापा की मूर्ति इतनी मनमोहक थी कि यहाँ पे आजू बाजू के गांव के हज़ारों लोग इस मूर्ति के दर्शन को यहाँ पे आते थे। फिर राजा ने एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाया और फिर यहाँ पे एक विशाल मंदिर बंधवाया गया और इस मंदिर के अंदर हनुमान जी की स्थापना की। और उसके बाद ही ये मंदिर डभोरिया हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया इस मंदिर के अगल बगल में मानवियों का वसवाट होने लगा और देखते ही देखते एक यहाँ पे बड़ा गांव हो गया, तो फिर उस गांव का नाम डभोरिया रखा। ये मंदिर गांधीनगर जिले में आया हुआ है और ये मंदिर तकरीबन 1000 साल से भी पुराना है। और ये मंदिर भक्तों की आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बना हुआ है। तो अगर आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार यहाँ पे आइए, आप दर्शन कीजिए, आपके मन को बहुत ही यहाँ पे शांति मिलेगी। इस हनुमान जी मंदिर के अंदर ही राम सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर आया है, तो आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु को हनुमान जी को तेल चढ़ाना हो उसके लिए भी इस मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। और ये मंदिर काफ़ी विशाल है
तो जो भी यात्रिक हो वो यहाँ पे आराम से बैठ के हनुमान चालीसा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और इस मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा पीपल का पेड़ है। तो अगर दोस्तों आपने इस डभोरिया दादा के दर्शन नहीं किए हैं तो मैं आपको अवश्य रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप यहाँ पे आइए, दादा के दर्शन कीजिए, आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। तो दोस्तों हमने हनुमान जी बापा के बहुत ही अच्छे दर्शन किए हैं। अब हम लोग चलेंगे बाहर और मैं अभी आ चुका हूँ मंदिर से बाहर और यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। और अब हम लोग जाएंगे मंदिर की पीछे की साइड, वहाँ पे मंदिर ट्रस्ट द्वारा भोजनालय बनाया हुआ है तो मैं वो भोजनालय भी आपको दिखाता हूँ। और मंदिर के पीछे की साइड भी एक मंदिर के अंदर और जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, तो आप मंदिर के पीछे से भी रास्ता है जहाँ से आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं और मंदिर से बाहर भी आ सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे भोजनालय चलाया जाता है, तो मंदिर के अंदर जो भी श्रद्धालु दर्शन को आते हैं उन सभी को यहाँ पे भोजन करवाया जाता है। और ये मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे पीछे की साइड गेट बना हुआ है और मंदिर के ठीक बगल में ही एक शिव जी का मंदिर आया हुआ है, तो आप शिव जी के मंदिर में जाके भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शिव जी के मंदिर के अंदर जाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। तो अभी हमने मंदिर में जाके दर्शन किए, बापा के मैंने आपको अच्छी तरह से दर्शन करवाए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर टाइम।